देखो यार, मैं तो कब से ही बोल रहा था कि एनवीडिया के 11th जनरेशन के ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर्स पे लॉन्च होंगे, और अब ये कंप्यूटर्स के पहले 1180 के स्पेक्स मतलब टेक पार आपके साइट के डेटाबेस में ऐड हो चुके हैं। तो ये बताते हैं कि अब हमें बहुत ही जल्द 11 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल सकते हैं। और कंप्यूटर्स, अगर आपको नहीं मालूम है, तो वो होगा जून 5 से लेकर जून 9 तक। तो यार अब सब्र नहीं होता, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी एमडी भी अपने न्यू सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड निकाले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एनवीडिया हमें एकदम प्रीमियम चार्ज करे, है ना। तो अब ये लीक्स क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है इंजीनियरिंग सैंपल के स्पेक्स हैं, तो ये कंफर्म एकदम नहीं है कि मतलब इतने ही इनकी क्लॉक स्पीड होगी या फिर इतनी ही बेस और बूस्ट होगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी के अराउंड होगी, ठीक है, और जो क्लॉक स्पीड होंगी इस इंजीनियरिंग सैंपल से थोड़ी ज्यादा ही होंगी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हम गेमर्स के लिए कि अब फाइनली हमें एक नया ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलने वाला है। यार मतलब 2 साल हो गए हैं ना, ग्राफिक्स कार्ड का सूखा पड़ गया था। तो अब जल्दी से जल्दी हम इन स्पेक्स के ऊपर जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एनवीडिया के 11 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड 12 नैनोमीटर फिनफेट प्रोसेसिंग पे बेस्ड होंगे। और सिंपल सी बात है यार, ये GDDR6 मेमोरी के साथ आएंगे। अगर कूडा कोर्स की बात करें, तो इस जीपीयू के अंदर आपको 3584 कूडा कोर्स देखने को मिल सकते हैं, और फिर वही 28 SMs होंगे, 64 ROPS होंगे और 224 TMUs होंगे। अब भाई, यहाँ पे जीपीयू जी ने इस ग्राफिक्स कार्ड के चिप को वोल्टा बताया हुआ है, लेकिन हम तो जानते हैं कि मतलब रूमर्स में ऐसे बोला जा रहा था कि ट्यूरिंग का ग्राफिक्स कार्ड हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जीपीयू जी बराबर से जीपीयू को डिटेक्ट ना कर पाए, इसीलिए वोल्टा बता रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टा ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ट्यूरिंग जो है वो वोल्टा का मतलब थोड़ा एनहेंस्ड वर्जन रहेगा, थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन रहेगा। तो हो सकता है ये ग्राफिक्स कार्ड वोल्टा हो या फिर ट्यूरिंग हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप मतलब इतना समझ लो कि आपको नए ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएंगे, और वो जून में ही आपको देखने को मिलेंगे कॉम्प्यूटेक्स पर, और इनकी वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगी। अब गाइज, यहाँ पे अगर कोर क्लॉक की बात करते, वो ऐसा बताया जा रहा है कि 1405 MHz से लेके 1582 MHz तक हो सकता है, और वहीं पे बूस्ट क्लॉक को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1800 MHz के आसपास होगा। अगर पीक फ्लोटिंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो है 13 टेराफ्लॉप्स। अब गाइस, 13 टेराफ्लॉप्स बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होता है, यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे एक RX 580 के मुकाबले, तो आपको वहां पे 2 RX 580 का परफॉर्मेंस मिल रहा है, और ऊपर से एक एक्स्ट्रा GT 1030 का भी परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो देख लो यार, बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है ये। वहीं पे अगर GTX 1080 से कंपेयर करें, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो 8.7 टेराफ्लॉप्स थी। तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब गाइस देखो, हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि आपको डबल परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन डबल परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस है, ठीक है। अगर मेमोरी इंटरफेस की बात करें, तो वो रहेगी 256 बिट की मेमोरी इंटरफेस, और मेमोरी जो इस्तेमाल की जाएगी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि GDDR6 होगी। और वहीं पे जो VRM की कैपेसिटी होगी इस ग्राफिक्स कार्ड की, वो होगी 16 GB। तो यार ये बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप है, मतलब 8 GB से डायरेक्टली 16 GB, क्योंकि GTC पे SK Hynix ने हमें बताया था कि उनके पास 2 मॉड्यूल्स है अभी, मतलब GDDR6 के। एक था 8 GB वेरियंट, वो जो मतलब कि 1070 या फिर 1060 के लिए होगा, और फिर बाद में एक 16 GB का मॉडल था जो कि 1080 और 1080 Ti के लिए होगा। अब गाइस, ये जो 16 GB के मॉडल और 8 GB के जो मॉडल है, वो स्पेसिफिकली इन्हीं GPUs के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो हायर एंड कार्ड होंगे उनके अंदर 16 GB आएगा, और वहीं जो मिडिल रेंज वाले होंगे उनके अंदर 8 GB आएगा। वैसे भी आजकल के जो गेम्स है वो बहुत ही ज्यादा VRAM डिमांड कर रहे हैं। यार कॉल ऑफ ड्यूटी तो मतलब 1440p पे 11 GB खा जाता है, तो 16 GB बहुत ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब अगर मेमोरी क्लॉक स्पीड की बात करें, तो वो 12 GB/s पे क्लॉक्ड है। वही अगर हम इसे GTX 1080 से कंपेयर करें, तो यहाँ पे आपको 2 GB/s एक्स्ट्रा है। मेमोरी बैंडविड्थ की अगर बात करें, तो बहुत खास नहीं, यहाँ पे 384 GB/s की मेमोरी बैंडविड्थ है, और वही 1080 में 320 GB/s की बैंडविड्थ थी। TDP इसकी 200 वॉट्स है, और फिर जो इसका लॉन्च डेट है वो जुलाई में कहीं पे हो सकता है। अब गाइस, कॉम्प्यूटेक्स में आपको नए जनरेशन के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन जो लॉन्च होगी वो चालू होगा जुलाई से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है ना, नहीं तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब जून में ही लॉन्च हो रहा है कॉम्प्यूटेक्स पे ही। जून में एक्चुअली कॉम्प्यूटेक्स पे आपको मतलब अनाउंस कर दिया जाएगा कि एनवीडिया के नए सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं, और बाकी जुलाई से शिपिंग चालू हो जाएगी।
और वही अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $700 से ये स्टार्ट होगी, लेकिन मेरा मानना है कि यार मतलब $750 से लेके $800 के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब $700 पे भी लॉन्च हो सकता है। तो गाइस स्पेक्स वाइज तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है ये ग्राफिक्स कार्ड। अब लेकिन यार देखो, बिना परफॉर्मेंस बेंचमार्क किए हम तो बता नहीं सकते ना कि ये ग्राफिक्स कार्ड कितना ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। ऑफकोर्स ये बात है यार कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 1080 Ti से फास्टर होगा, ठीक है, लेकिन अब ये 1080 Ti और टाइटन XP से कितना ज्यादा फास्ट होगा ये हम अभी इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो बेंचमार्क्स आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आपको 16 GB का GDDR6 मेमोरी देखने को मिल रहा है, तो मतलब कि अगर आप हायर रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और अगर आप बहुत बड़े बड़े AAA टाइटल्स वगैरह खेलते हैं मतलब आप पूरा उसके टेक्सचर्स का फुल मजा ले पाएंगे, 4K वगैरह पे आप गेमिंग कर पाओगे एकदम आराम से, और टेक्सचर्स को आप एकदम क्रैंक अप कर पाओगे, मतलब कि हाईएस्ट क्वालिटी के टेक्सचर्स पे आप गेमिंग कर पाओगे। तो देख लो यार, कॉम्पिटेक्स से पहले ही GTX 1180 के स्पेक्स आ गए हैं, मतलब ये तो इंजीनियरिंग सैंपल है, लेकिन आप स्पेक्स इसी से आइडेंटिकल जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपके क्या थॉट्स है इस टॉपिक को लेकर आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो। तो बस गाइस, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हो ना तो आपको मेरे वीडियोज के अपडेट्स नहीं आएंगे और आप सबसे पहले वीडियोज को नहीं देख पाएंगे। Yeah.